हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, टेंथ सीखने के सीरीज़ में आज है फिफ्थ डे, पांचवा दिन। और अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? इंडेफिनेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। इसके बाद में हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आज फिफ्थ डे में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़। अभी तक आपने टेंथ सीरीज़ के पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हों तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले, जब सेंटेंस के लास्ट से हमको पता चलता है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप्स के वर्ड्स होंगे। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स That happened at specific time in the past। इसका मतलब एक खास समय में, स्पेसिफिक टाइम में कोई काम हुआ था, उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं इस टेंस का। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होता है, उसमें केवल हमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होता है। तो देखिए, अफर्मेटिव में सबसे फर्स्ट में हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। देन वर्ब के साथ आईएनजी। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हमने पढ़ा था उसमें यहाँ पर हमने इज एमआर का यूज़ किया था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? ओनली हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर अगर हम इज एमआर का यूज़ कर देते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, एक्शन में आईएनजी रहेगा, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नोट लगाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे। ये हर टेंस का रूल है फ्रेंड्स। तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। और एक और चीज, यहाँ पर वॉज एंड वर, किसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, किसके साथ वर का यूज़ करेंगे? तो यू, वी, दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, एंड ही, सी, इट और नेम के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, एक और चीज़, आई के साथ भी यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं इसके। सो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं इसमें अफर्मेटिव के, इंटरोगेटिव के, और कुछ सेंटेंस फ्रेंड्स इसमें ऐसे हैं जो इस टेंस से नहीं बनने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? कई बार पास्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। कहीं बार ता था, ती थी, कहीं बार रहा था, रही थी, कहीं बार ओनली था जाता है। तो कई इस प्रकार के बच्चे हैं जो बेसिक लर्नर्स हैं, उनको डाउट होता है। तो इतने ही एग्जाम्पल में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो बने रहे वीडियो में। वह पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रहा था मतलब एक टाइम था जब वो पढ़ाई कर रहा था। ही और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज, ही वॉज। वर्ब में हमें आईएनजी का ऐड करना है, आईएनजी यूज़ करना है। ही वॉज स्टडीइंग, वह पढ़ाई कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं आराम कर रहा था, आई के साथ भी हमें यूज़ करना है वॉज, आई वॉज। आराम करना होता है टेक रेस्ट, तो टेक में यूज़ करेंगे आईएनजी, टेकिंग रेस्ट, आई वॉज टेकिंग रेस्ट। वह झूठ बोल रहा था, एक टाइम था उस समय वह झूठ बोल रहा था, ही वॉज टेलिंग अ लाई, या फिर हम बोल सकते हैं ही वॉज लाइंग, वह झूठ बोल रहा था। क्या आप खाना खा रहे थे? इस टेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। किस प्रकार से फ्रेम करेंगे? जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखेंगे, वॉज एंड वर्ब को आगे। तो यहाँ पर आप, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है, और यू के साथ हम लगाते हैं वर, तो हम स्टार्टिंग में रखेंगे वर। वर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे थे? अगर सेंटेंस फ्रेंड्स नेगेटिव होते तो हम ओनली नॉट का यूज कर देते इसमें, ठीक है? क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो हमें सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नॉट का यूज़ करना है। जैसे, क्या आप खाना नहीं खा रहे थे? वर यू नॉट ईटिंग फूड, लाइक दिस, इस तरह से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं खुश था एंड वह बीमार था। अब ये जो दो सेंटेंस है ये इन सेंटेंसेस से हटकर है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या होता है, स्टूडेंट्स देखते हैं, था, ये भी था है,
यहाँ पर भी था है, तो हर वो सेंटेंस जिसमें था होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं स्कूल में था, मैं घर पर था, मैं बिजी था, मैं बीमार था, वह मेरा दोस्त था, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता है, वहाँ पर हम किस तरीके से फ्रेम करेंगे, ओनली जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वही मैन एक्शन का काम करती है। तो मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, ये बी के सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स। बी की क्लास हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर अभी समझ लीजिए, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो हम ओनली इस तरीके से सेंटेंस इसको फ्रेम करेंगे, ये जो मेन एक्शन यही है हमारा। नेक्स्ट, वह बीमार था, ही वॉज इलिंग नहीं होगा यहाँ पर, ही वॉज इल, वह बीमार था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।